रामचंद्र, तुम मेरे ज्येष्ठ पुत्र हो, इस राज्य के उत्तराधिकारी हो, हमारे वंश को प्रकाशित करने वाले हो। ऐसे समय में, इतनी छोटी उम्र में, मैं तुम्हें उन राक्षसों के साथ युद्ध करने के लिए भेजकर तुम्हारे आने की प्रतीक्षा में, तुम्हारे क्षेम समाचार के आस में चिंताग्रस्त होकर आग के गोलों में खड़े होकर तुम्हारी प्रतीक्षा करना मेरे लिए संभव नहीं है। नहीं, मैं तुम्हें नहीं भेज सकता।